नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से परिचय कराना है। और भारत के विरासत में हम लोग मंदिर स्थापत्य की चर्चा कर रहे हैं। और मंदिर स्थापत्य में हम लोगों ने तीन प्रमुख शैलियों की चर्चा की है, जिसमें हम लोग नागर शैली, बेसर शैली और जो है वह द्रविड़ शैली की चर्चा। द्रविड़ शैली के अंदर उप शैलियों में 5 उप शैलियाँ हैं और उसमें से अंतिम उप शैली है जिसे हम लोग कहते हैं नायक मंदिर निर्माण शैली। नायक मंदिर निर्माण शैली जिसे मदुरई कला भी कहा जाता है। तो ये हम लोग इसके बारे में जो है वह जानने का प्रयास करें कि नायक मंदिर निर्माण शैली क्या है या मदुरई कला क्या है और ये कब की है। तो द्रविड़ उप शैली के, द्रविड़ मंदिर निर्माण की उप शैली के रूप में, तो निश्चित है कि ये मदुरई क्षेत्र में जो नायक वंश हैं उनके शासकों में जो है वह देखा गया। तो ये कहाँ पर है? तो ये जो है वह तमिलनाडु के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में जो है वह यह देखने को मिलता है। हम लोग पहले यह देखें कि ये जो है वह कहाँ पर है स्थित। तो हम लोग इसको देखें तो ये देखिए, ये है क्षेत्र, ये पूरा तमिलनाडु है, तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र और तमिलनाडु का पश्चिमी क्षेत्र। इसमें जो है वह हम लोग नायक वंश के शासक देखते हैं और मदुरई जो है वह उनकी राजधानी हुआ करती थी, इसलिए जो है हम लोग इसे मदुरई के नायक भी कहते हैं। तो ये जो है ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत की उप शैली के रूप में जो है वह देखने को मिलती है। इसकी जो है वह जो मंदिर निर्माण शैली है वह कब है? तो 16वीं से 18वीं सदी के मध्य। अब याद कीजिए कि हम लोगों ने जब पांड्य शासकों के बारे में पढ़ा था तो पांड्य जो है वह जो मंदिर निर्माण शैली है वो 8वीं से 14वीं सदी के मध्य जो है वह देखने को मिलता है और ये जो है वह 8वीं से 16वीं सदी के मध्य देखने को मिलता है और ये 16वीं से जो है वह 18वीं, यानी पांड्य जो है ने जो पृष्ठभूमि छोड़ी उसी पृष्ठभूमि को नायकों ने आगे बढ़ाया। तो ये नायकों ने आगे बढ़ाया, तो मैंने जो है बताया कि मदुरई केंद्र था, इसलिए इसे मदुरई कला के रूप में भी जाना जाता है। और इस मंदिर में विशाल गोपुरम एक बड़ी विशेषता जो है वह पाई जाती है और इसमें आयताकार, खास करके उसका जो गोपुरम का आकार आयताकार। तो मैंने एक बात और भी चर्चा की थी पांड्य शैली में, उसको फिर से जो है वह हम लोग दोहरा दें कि दक्षिण भारत में कई जो है वह ऐसे भव्य मंदिर बने हैं जिसमें सिर्फ एक वंश के शासकों का योगदान नहीं है बल्कि कई वंश के शासकों का योगदान है। उसमें सबसे प्रमुख है मीनाक्षी अम्मान मंदिर, यानी मीनाक्षी अम्मान मंदिर का निर्माण जो है वह पांड्य शासकों ने जो है वह प्रारंभ किया था, लेकिन उसकी कला को अंतिम रूप जो है वह अगर किसी ने दिया तो नायक वंश के शासकों ने जो है वह दिया। आइए हम लोग जो है वह इसके अन्य विशेषताओं को जो है वह जानने का प्रयास करें। तो मीनाक्षी मंदिर में जो गोपुरम का निर्माण है, गोपुरम मंदिर का निर्माण जो है वह पांड्य शासकों ने किया, तो गोपुरम का निर्माण जो है वह किसने? नायक वंश के शासकों ने किया। और यह जो है वह गोपुरम जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम, यानी इतना बड़ा, इतना ऊंचा प्रवेश द्वार जो है वह कहीं है ही नहीं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी वीडियो में जान चुके हैं। इसके बाद विशालकाय सभा भवन, यहाँ विशालकाय सभा भवन का भी निर्माण किया गया और उसके साथ साथ इसके बाह्य और आंतरिक दोनों भागों के अलंकरण को सजाने का प्रयास किया गया है। अब नायक स्थापत्य में कालांतर में इस्लामिक स्थापत्य का जो है वह प्रभाव भी देखा गया, यानी मंदिर निर्माण जो है के अलावा जो नायक ने कई स्थापत्य जो है वह अदर बनाए, जो पैलेसियल बिल्डिंग कहते हैं, जिन्हें हम महल बद कहते हैं, उन महलों पर जो है वह इस्लाम का जो है वह प्रभाव स्थापित हो गया। लेकिन यह इस्लाम का प्रभाव मंदिरों पर नहीं था। इस्लाम का प्रभाव क्यों था? तो याद करके देखिए, हम लोग इसके बात कर रहे हैं 16वीं से 18वीं सदी के मध्य, और 16वीं से 18वीं सदी में दक्षिण भारत में जो है वह अब क्या है, विजयनगर जो है वह का अंत हो चुका है और हिंदू शासकों के ऊपर जो है अब इस्लामिक शासक जो है वह प्रभावी जो है वह हो चुके हैं, कर्नाटक के क्षेत्र में भी, उसके बाद मैसूर के क्षेत्र में भी, और जो है वह उत्तर में जो है वह हम 18वीं सदी में जो है वह देखें तो हैदराबाद के क्षेत्र में भी, यानी कि पूरे के पूरे चारों तरफ जो है वह इस्लामिक वंश के शासक जो है वह हैं। इसलिए कला पर इस्लामिक जो प्रभाव देखा जाने लगा, लेकिन वह हम लोग कहाँ, पैलेसियल बिल्डिंग में जो है वह देखते हैं। अब मंदिरों की बात करें तो मंदिर में जो है वह कुछ जो है वह प्रमुख उदाहरण जो है वह निश्चित तौर पर मीनाक्षी मंदिर है, इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर का गलियारा जो है वह इसमें बना है, इसके बाद श्रीरंगम मंदिर और तिरुनलमलई मंदिर जो है वह इसको हम लोग जो है वह देखें, तो ये सब जो है वह नायक वंश की कुछ विशेषता के रूप में हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इसको चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि ये मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये गोपुरम शहर के किसी भी कोने से जो है वह देखा जा सकता है और इसकी विशालता जो है वह इतनी है कि इसे विश्व के सबसे ऊंचे गोपुरम में स्थापित जो है वह किया गया है।
इसके बाद जो है हम लोग इसके गलिया इसके जो है वह जो सभा भवन है उस सभा भवन के अंदर मीनाक्षी मंदिर के अंदर जो सभा भवन है जिसे हमें 1000 पिलर्स जो है वह कहा जाता है मंडपम, इसको का निर्माण भी जो है वह हम लोग देखते हैं तो नायक वंश के शासकों ने किया है। इसके बाद जो है वह मीनाक्षी मंदिर के अंदर हम लोग देखें तो मीनाक्षी मंदिर के अंदर एक मूर्ति है और उस मूर्ति का बड़ा ही जो है वह कहा जाए महत्व जो है वह सिम्बॉलिक महत्व काफ़ी है। तो दरअसल मीनाक्षी जो है जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर माँ पार्वती यानी देवी पार्वती को डेडिकेटेड है। तो देवी पार्वती जो है वह कौन शिव की जो है वह पत्नी, तो शिव जो है कि पत्नी जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था तो माँ पार्वती यानी देवी पार्वती के पिता जो है वह कन्यादान के लिए राजी नहीं हुए थे, बल्कि क्यों, क्योंकि वो इस विवाह के विरोध में थे इसलिए वो कन्यादान के लिए राजी नहीं हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो है वह भगवान विष्णु जो है वह कन्यादान के लिए जो है राजी हुए थे और भगवान विष्णु जो है वह पार्वती के बड़े भाई के रूप में अपने आप को स्थापित करके कन्यादान जो है उन्होंने किया था। तो ये कन्यादान के को जो हुआ था उस समय उसका सिम्बॉलिक जो है वह चित्र है, यानी भगवान विष्णु शिव को जो है वह अपनी बहन को एक कन्यादान के रूप में कन्यादान कर रहे हैं। हालांकि आज के समय में कन्यादान शब्द जो है वह एक विवाद के जो है वह घेरे में जो है वह है और इसको लेकर जो है वह कई चर्चाएं हैं कि क्यों कन्यादान क्यों नहीं, कन्या मान इसका क्यों नहीं, कन्या सम्मान इसका नाम क्यों नहीं। लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वीडियो जो है वह उसको देखिएगा। कन्यादान की जो है वह अन्य बातों को हम लोगों ने चर्चा की है, क्यों, क्योंकि कन्यादान जो है वह कोई वस्तु का दान नहीं है बल्कि यह जो है रक्षा का दान है, यह गोत्र के परिवर्तन का दान है, यह रक्षा का दान यानी एक रक्षा, एक जो है वह अब तक पिता रक्षा कर रहा था अब जो है वह पति रक्षा करेंगे, एक जो है वह उत्तरदायित्व जो है वह का दान है कि उसका क्योंकि आर्थिक व्यवस्था जो है वह पुरुष प्रधान थी तो इसलिए जो है वह पुरुष जो है वह प्रधान आर्थिक व्यवस्था में पिता जो है वह उसकी अर्थव्यवस्था को चला रहा था, उत्तरदायित्व को चला रहा था, अब जो है वह पति उत्तरदायित्व का ग्रहण करेगा। इस प्रकार से जो है वह उसको सिम्बॉलिक रूप से समझना चाहिए, इसके वस्तु के रूप में इसको जो है वह मानने की जो है वह जो परंपरा है वह बिल्कुल ही जो है वह गलत है, उसको हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते हैं। आइए देखिए, तो ये जो है वह हम लोग देखें तो ये मीनाक्षी मंदिर का ही जो है वह वेस्ट टावर है जो उसकी विशालता के लिए जाना जाता है, कई मंजिल हैं और ये जो है वह गोपुरम विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम और ये जो है वह कई मंदिरों को जो है वह जो जहाँ जहाँ बनाया गया है नायक वंश के शासकों में उनके बारे में जो है वह यहाँ दिखाया गया है। ये जो है रामेश्वरम का गलियारा जो गलियारा के अंदर अगर देखा जाए तो भारत में मंदिरों के अंदर सबसे बड़ा गलियारा जो है वह इसी को माना जाता है। तो रामेश्वरम मंदिर का जो ये गलियारा है ये भी नायक वंश के शासकों ने जो है वह तैयार करवाया था। और हम लोग ये देखें श्रीरंगम टेम्पल जो है वह तिरुचिरापल्ली का जो श्रीरंगम टेम्पल है वह भी नायक वंश के शासकों ने जो है वह बनवाया था। और हम लोग ये देखें ये पैलेसियल बिल्डिंग है, ये जो है वह नायक वंश के शासकों की पैलेसियल बिल्डिंग है। तो आप देखिए कि पैलेसियल बिल्डिंग में क्या है, तो आर्च का शेप जो है वह आ गया है, मेहराब का शेप आ गया है। तो हम लोगों ने जो है वह कहा था कि जो पैलेसियल बिल्डिंग है उसके ऊपर जो है वह इस्लामिक स्थापत्य का प्रभाव जो है वह देखा गया और ये आर्च का जो प्रभाव है यानी मेहराब का प्रभाव, मेहराब का प्रयोग यह जो है वह इस्लामिक स्थापत्य से लिया हुआ जो है वह दिखाई देता है। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।